त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। कुछ घंटों के भीतर ही ड्राइवरों की हड़ताल ने देश के एक बड़े हिस्से में त्राहिमाम मचा दिया है। जैसे ही उनके जीवन में सरकार की तरफ से कथित पनौती लगाई गई, देश भर के ड्राइवरों ने दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, अभी तो ये सब कुछ बस ट्रेलर है, असली पिक्चर देखनी बाकी है। इसे ट्रेलर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी तो कुछ ड्राइवर अपनी मर्जी से ये काम कर रहे हैं। बड़े बड़े प्लेयर अभी जमीन पर उतरे भी नहीं है। कौन है वो बड़े प्लेयर और कैसे वो बेहद खतरनाक पिक्चर दिखा सकते हैं, आगे बेहद आसान भाषा में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आज हम ड्राइवर्स के निजी जीवन में झांकने की कोशिश करेंगे और ये बात भी करेंगे कि एक ड्राइवर के जीवन में क्या क्या परेशानियां होती हैं और किस तरह से उनकी अनदेखी लगातार सभी सरकारों द्वारा की गई है। यदि आप ड्राइवर की नौकरी करते हैं तो इस मामले को ध्यान से समझ लीजिए और लगे हाथ अपने लोगों की बड़ी समस्याओं का हल भी ढूंढ लीजिए, मांग कर लीजिए। शायद आगे मौका मिले ना मिले, बाद में कब मिलेगा नहीं मिलेगा क्या पता। और इस वीडियो में हम सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि के ड्राइवरों की तुलना भी करेंगे और इससे जो तस्वीर सामने आएगी वो आपकी खोपड़ी हिला देगी। इसके साथ ही बात ये भी करेंगे कि कैसे सरकार की कमियों का खामियाजा भी ड्राइवर्स को भुगतना पड़ता है और कैसे इस कानून के हिसाब से और ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। कल से बहुत सारे ड्राइवर्स और उनके संगठनों ने हमसे बातचीत की है, उन सभी की बातों का सार हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से, इसके बाद ऑल पर क्लिक करना बहुत जरूरी होता है। इस तरह से देख लीजिए, सीख लीजिए। अभी सरकार ड्राइवरों के मामले में जो व्यवस्था लेकर आई है तो उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में विस्तार से बातचीत की थी। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को तुरंत जाकर अच्छे से देख लीजिएगा, यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर उपलब्ध है, आपकी आंखें खुल जाएंगी। इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों ने हमसे संपर्क किया और कहा कि आपने हर एक पहलू को बड़े अच्छे तरीके से दिखाया, इसके लिए धन्यवाद। कुछ लोगों ने सुझाव भी दिए हैं, आज उस पर भी बात करेंगे। देश भर से ड्राइवरों के हड़ताल की तस्वीरें सामने आ रही हैं, कुछ जगहों पर पुलिस के साथ झड़प भी दिख रही है, कहीं कहीं लाठीचार्ज की खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा असर हो रहा है वो है आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई पर। हड़ताल को अभी कुछ घंटे ही बीते हैं, तभी से पेट्रोल पंप पर लंबी-लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के ही कई शहरों में जैसे कानपुर, लखनऊ, आगरा जैसे शहरों में कई-कई किलोमीटर तक की लंबी-लंबी लाइनें लग गई हैं। कुछ शहरों में कुछ घंटे के लिए ही डीजल पेट्रोल उपलब्ध है। देश भर के बहुत सारे पेट्रोल पंप सूख चुके हैं। मध्य प्रदेश में तथा महाराष्ट्र में इस हड़ताल का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। सब्जियों के दामों में भी तेजी से बढ़ोतरी होती जा रही है। इस घबराहट में कि चीजें और महंगी न हो जाएं, चीजें मिलनी बंद हो जाएं, लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खरीदारी शुरू कर चुके हैं। खासकर डीजल पेट्रोल के मामले में लोगों ने औसत से ज्यादा स्टॉक करना शुरू कर दिया है। कल हमने ड्राइवरों से यह अपील की थी कि किसी भी रूप में आम जनमानस का विश्वास और भरोसा अपने ऊपर बनाए रखें। हालांकि यह मामला आम जनमानस का ही है, यह अलग बात है कि ड्राइवर की नौकरी करने वाले लोग ही इसे लेकर मुखर है क्योंकि वो ज्यादा निशाने पर होंगे और सरकार के इस कानून का असर उन पर ज्यादा हो सकता है। यानी अभी तक यह मामला सिर्फ ड्राइवरों का ही है, ड्राइवरों ने ही अपनी मर्जी से इस कथित खतरनाक कानून के खिलाफ हड़ताल शुरू कर दी और कुछ ही घंटों में देश भर में त्राहिमाम मचा दिया। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि अभी असली खिलाड़ी तो मैदान में उतरे ही नहीं है, तो वो असली खिलाड़ी हैं ट्रांसपोर्टर्स। जी हाँ, अभी ट्रांसपोर्टर्स ने किसी हड़ताल की घोषणा नहीं की है, अब तक सिर्फ ड्राइवर अपनी मर्जी से हड़ताल कर रहे हैं। यानी अभी ये सारी चीजें संगठित तरीके से नहीं हो रही। 2 जनवरी को ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स कांग्रेस की मीटिंग होने वाली है, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक मीटिंग हो गई हो। इस मीटिंग के बाद ये ट्रांसपोर्टर्स का संगठन फैसला करेगा कि आगे इस पर क्या करना है, यानी हड़ताल को किस तरीके से आगे बढ़ाना है या फिर नहीं करना है। जो भी करना होगा वो फैसला मीटिंग में होना है। अलग अलग राज्यों से बहुत सारी चीजों की किल्लत होने की खबरें सामने आ रही हैं और चर्चा इस बात की हो रही है कि यदि ट्रांसपोर्टर्स ने भी संगठित तरीके से हड़ताल की घोषणा कर दी तो फिर दवाओं समेत तमाम चीजों की किल्लत पड़ सकती है और सड़कें जिस तरीके से बंद होने लगी हैं उससे और ज्यादा समस्या हो सकती है। वहीं एम्बुलेंस को लेकर भी चिंताजनक बात यह है कि उसे चलाने वाले भी ड्राइवर ही होते हैं, यदि उन्होंने भी हड़ताल कर दिया तो क्या होगा। यूपी के कानपुर से प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों के हड़ताल की खबरें भी सामने आ रही है, यानी उन्होंने भी एम्बुलेंस चलाने से मना कर दिया है। हालांकि जैसा कि हमने पहले भी कहा था, ड्राइवर्स को आम जनता को अपने साथ रखना होगा, इसलिए मूलभूत आवश्यकता जैसे मेडिकल सुविधाओं को बाधित नहीं करना बल्कि ज्यादा से ज्यादा आम आदमी को इन नियमों के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है। आइए अब पहले भारत के ड्राइवरों के जीवन में झांक लेते हैं, इसके बाद विदेश के ड्राइवरों की चर्चा करेंगे जो आपकी खोपड़ी घुमा देने के लिए काफी है। कल की वीडियो में हमने कहा था कि ड्राइवरों की मासिक तनख्वाह 8 से 10 हजार रुपए या फिर अधिकतम 15 हजार के आसपास होती है। इसके बाद बहुत सारे ड्राइवर्स ने हमें बताया, फोन करके और कमेंट करके बताया कि 8-10 हजार तो आपने ज्यादा बता दिया। बहुत सारे मामलों में ड्राइवर 4 से 5 हजार रुपए, 7 हजार रुपए में अभी भी काम करते हैं। ड्राइवरों की तनख्वाह अलग अलग मामलों में ऊपर नीचे हो सकती है।
सकती है, लेकिन इतना तो तय है कि काम के हिसाब से उनकी आज भी तनख्वाह बहुत कम है। इसका एक कारण और है, और वो ये है कि सरकार द्वारा कोई मानक न तय किया जाना। आज की इस महंगाई में जबकि ज्यादातर ड्राइवरों की ऊपरी कमाई भी लगभग समाप्ति की ओर है, क्या आपको नहीं लगता कि कम से कम उन्हें 25,000 रुपया महीना तो मिलना ही चाहिए? क्या सरकार को ड्राइवरों के हित के लिए, जिनकी संख्या इस देश में करोड़ों में है, उनके लिए न्यूनतम तनख्वाह की घोषणा नहीं की करनी चाहिए? इसके अलावा बड़ी गाड़ियों जैसे बस और ट्रक के ड्राइवर घंटों घंटों लगातार चलते रहते हैं, क्या उनके कार्यों का घंटा तय नहीं किया जाना चाहिए कि उन्हें अधिकतम कितने घंटे काम करना या करवाया जा सकता है? अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं कि ड्राइवर को झपकी आने की वजह से दुर्घटना हो गई, और इसके पीछे कारण बताया जाता है कि ड्राइवर कई घंटों से लगातार गाड़ी चला रहा था। वैसे अधिक घंटे तक काम करने की समस्या रेलवे के भीतर भी है। रेलवे के ड्राइवर भी अतिरिक्त घंटे काम करते हैं, ज्यादा गाड़ी चलाते हैं, लेकिन वहां उसके बदले में उन्हें अतिरिक्त पैसा दिया जाता है। परंतु ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अतिरिक्त पैसा मिलने से नींद तो थोड़ी ना गायब हो जाएगी, नींद तो अपने समय पर आएगी, दुर्घटना होने की आशंका बढ़ाएगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि भारत में ड्राइवरों की न्यूनतम तनख्वाह यानी वेतन और अधिकतम कार्य के घंटे तय किए जाने चाहिए? इसके अलावा जब ड्राइवर हाईवेज पर चलते हैं, वहां पर एक एक बड़ी गाड़ी का टोल टैक्स हजारों में होता है। बाकी गाड़ी खरीदते समय से लेकर डीजल पेट्रोल डलवाने तक सरकार भर भर के टैक्स लेती है, लेकिन जब बात इन ड्राइवर्स के जीवन की आती है तो दूर दूर तक सरकार कहीं नजर नहीं आती। आप देखेंगे कि सड़क किनारे ही ये अपनी गाड़ी खड़ी करके ट्रक के आगे या पीछे या फिर ट्रक के नीचे बैठकर खाना बनाते हैं, वहीं खाते पीते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं। क्या बड़े बड़े हाईवेज पर, नेशनल हाईवे पर बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए सरकार की तरफ से सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए, जहां जाकर वो कुछ घंटे का आराम ले सके, जहां पर उन्हें सरकारी रेट पर शुद्ध भोजन मिल सके, जहां उन्हें पीने के लिए शुद्ध पानी और साफ सुथरे शौचालय की व्यवस्था मिल सके? राह चलते आप देख सकते हैं कि ड्राइवर्स अपनी गाड़ी में ही सोते हैं। बारिश हो जाए तो ट्रक वाले जो बाहर निकलकर खाना बना रहे होते हैं, किसी तरह से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर ट्रक के भीतर जाते हैं। यानी आसान भाषा में कहें तो सरकार ट्रक ड्राइवर्स से लेकर ट्रांसपोर्टर्स तक से जितना हो सकती है चूसने के लिए तैयार है, कोई सुविधा देने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा ड्राइवरों के जीवन में कोई त्यौहार नहीं होता। आप कहेंगे कि ड्राइवर इसी दुनिया में तो है, अलग थोड़ी ना है, त्यौहार क्यों नहीं होता है? तो इसलिए नहीं होता क्योंकि जब हम और आप अपने घरों में त्यौहार मना रहे होते हैं, उस वक्त जिस तरह से हमारे देश की पुलिस, हमारे देश के सैनिक तथा अन्य प्रोफेशन के लोग ड्यूटी करते हैं, ड्राइवर भी ड्यूटी कर रहे होते हैं। और जैसा कि आपने पिछले कुछ ही घंटों में देखा है, इनके बिना देश का चलना नामुमकिन है, मगर फिर भी देश और देश की सरकार इनके बारे में न के बराबर सोचती है। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, सड़क पर जब दुर्घटना होती है तो इन दुर्घटनाओं में ड्राइवर्स की भी मौत होती है, क्या उन्हें सरकार की तरफ से बीमा नहीं दिया जाना चाहिए? और बड़ी बड़ी गाड़ियों के ड्राइवरों का लाइसेंस भी काफी महंगा होता है। एक तरफ तो अलग अलग सरकारें किसान बीमा से लेकर स्वास्थ्य बीमा और पता नहीं कौन कौन सा बीमा लॉन्च करती रहती हैं। मोदी सरकार ने भी बहुत बढ़िया बढ़िया नाम चुनकर बीमाओं की घोषणा की थी, हालांकि उस पर भी लंबी चर्चा हो सकती है, बहुत कुछ है चर्चा करने लायक। मगर फिलहाल मामला यह है कि जब इन ड्राइवरों का नुकसान होता है तो इन्हें बीमा क्यों नहीं मिलना चाहिए सरकार की तरफ से? ड्राइवरों का जो संगठन है, उनकी यह पुरानी मांग भी है कि ड्राइवरों की मौत पर 20 लाख रुपए का बीमा और विकलांगता पर 10 लाख रुपए दिया जाना चाहिए। बाकी इनका संगठन अवैध वसूली को रोकने की मांग भी करता है, खासकर जब इनकी गाड़ियां एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करती हैं, उस वक्त जो वसूली होती है वो इन्हें बड़ी महंगी पड़ती है। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ ने यह भी मांग रखी है कि हमारे लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इस संगठन ने यह भी मांग की थी कि किसी दुर्घटना के बाद जमानत के लिए हमारे डीएल को ही पर्याप्त कागजात समझा जाए, अन्य पेपर्स की मांग न की जाए। वहीं अब चर्चा यह भी शुरू हो गई है कि देश के सैनिक इस देश की रक्षा करते हैं, उन्हें पेंशन दी जाती है, अच्छी बात है, तो फिर ड्राइवर भी तो देश को चलाते हैं, उन्हें थोड़ी बहुत पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? देश में यदि आप एक दिन के लिए विधायक या सांसद बन जाएं या मंत्री बन जाएं तो आपको आजीवन पेंशन मिलती है, एक के बाद दोबारा एमपी एमएलए या मंत्री या सीएम कुछ भी बन जाएं तो आपको दोबारा पेंशन मिलती है, जितनी बार बनेंगे उतनी बार पेंशन मिलेगी, तो फिर ड्राइवरों के जीवन में इतनी बड़ी कमी क्यों रखी जाती है? क्या उन्हें छोटी मोटी पेंशन नहीं दी जानी चाहिए? एक ड्राइवर के पीछे उसके परिवार का जीवन कैसा होता है, इसका एहसास अन्य लोग शायद न कर पाए। वो ही कर सकते हैं जिनके घरों में कोई सैनिक हो जो महीनों महीनों बाद छुट्टी पर आता हो। हालांकि सैनिकों को महीनों में छुट्टी मिल तो जाती है, लेकिन ड्राइवर्स के नसीब में वो भी नहीं होता। हमारे देश के नेता अक्सर अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा जैसे देशों का नाम लेते हैं, तो आइए जरा इन देशों के ड्राइवरों की स्थिति भी देख लीजिए। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि दुनिया में ड्राइवर ऐसे भी होते हैं और उनका जीवन ऐसा भी होता है और उनकी जेबें इतनी गर्म भी होती हैं। एक तरफ जहां भारत के ड्राइवर्स की मासिक तनख्वाह 8 से 10 हजार रुपए या अधिकतम 15,000 के आसपास बताई जाती है, वहीं विदेशों में कहानी सीधे उलट है। अमेरिका में ट्रक ड्राइवरों का औसत वेतन सालाना 36 लाख से भी अधिक है। अलग अलग खबरों के अनुसार अमेरिका में ही ड्राइवर महीने का 4 से 5 लाख रुपया कमाता है, वहीं नीदरलैंड्स में ड्राइवरों की कमाई 3 से 4 लाख के आसपास है, कहीं कहीं इससे भी ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी तथा स्वीडन में और लंदन में भी ड्राइवरों की महीने की कमाई लाखों रुपए में है, इसी के आसपास है, 4 से 5 या 3 लाख रुपए के आसपास। दुबई की बात करें तो वहां पर 65,000 से 85,000 रुपया महीना, कुवैत में 25 से 65,000 रुपए के आसपास,
ट्रक ड्राइवर हैं तो 40 से 65 हजार रुपए के आसपास कमाई होती है। नॉर्वे जैसे छोटे से देश में भी ड्राइवरों की मासिक कमाई 4 से 5 लाख रुपए के आसपास होती है। वहीं औसत सालाना कमाई की बात करें तो ये 37 लाख के आसपास है। जर्मनी में सालाना औसत कमाई 36 लाख से भी अधिक है। बेल्जियम में 39 लाख से अधिक है। ऑस्ट्रेलिया में 40 लाख से अधिक है। यानी आसान भाषा में कहें तो भारत में खूब पढ़े लिखे इंजीनियर डॉक्टर जितना नहीं कमाते उससे ज्यादा इन देशों के ट्रक और टैक्सी ड्राइवर कमा लेते हैं। एक बात और ध्यान देने वाली है, भारत में यदि किसी गाड़ी से टक्कर हो जाए तो लोग सीधे बड़ी वाली गाड़ी के ड्राइवर पर हमला कर देते हैं, बुरी तरह से पिटाई कर देते हैं। ऐसा लगता है कि कहीं से हिंसक भीड़ अपने भीतर की कुंठा निकालने के लिए सामने आ जाती है। भीड़ का हिस्सा बनकर कोई भी मारपीट करने के लिए तैयार हो जाता है। जबकि दुनिया के ज्यादातर देशों में गाड़ी की टक्कर होने के बाद दोनों ड्राइवर निकलते हैं, एक दूसरे से मुस्कुराकर हाथ मिलाते हैं। कारण यह है कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, उनके खोपड़ी पर टेंशन नहीं होती। टेंशन लेना वहां की सरकार और वहां की बीमा कंपनियों का होता है। जबकि भारत में ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए सरकार चालान का रेट कई गुना बढ़ा देती है। पिछले सालों में आपने देखा 30,000-40,000 तक के चालान लोगों के कटने लगे थे। बहुत सारे लोगों ने तो गाड़ियां उतारनी तक बंद कर दी सड़क पर। बाद में स्थिति यह हो गई कि पुलिस वाले खुद ही तरस खाकर चालान नहीं काटते हैं। कहते हैं कि बेचारे टेम्पो वाला टैक्सी वाला इतना पैसा कहां से भरेगा। यानी पता सबको है कि जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, सरकारी लूट मची हुई है। अभी अभी हमने जिन देशों का नाम लिया उन देशों में इन ड्राइवरों की लाखों की महीने की तनख्वाह के अलावा अलग अलग तरीके के बोनस वगैरह भी दिए जाते हैं। यानी भारत में अच्छे खासे इंजीनियर डॉक्टर जितना नहीं कमा पाते, विदेशों में ड्राइवर उससे ज्यादा कमा लेते हैं। और हमारे यहाँ ड्राइवर का काम सबसे निचले दर्जे का माना जाता है और उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण ड्राइवरों की कमाई होती है। आप में से जो लोग गाड़ी मालिक हैं उन्हें लगेगा कि हमारी तो इतनी कमाई होती ही नहीं है तो फिर हम ड्राइवर्स को इतना पैसा कहां से देंगे। तो मूल सवाल यही है कि आखिर कैसे विदेशों में ड्राइवर्स लाखों रुपए कमा रहे हैं और भारत में ड्राइवरों की स्थिति इतनी खराब क्यों है। क्या जो सरकार विश्व गुरु बनाने का दावा करती है, विकसित भारत यात्रा निकालती है जिसके मुखिया दुनिया भर में डंका बजने का हवा हवाई दावा करते हैं, उनसे ये नहीं पूछा जाना चाहिए पश्चिमी देशों के नेताओं के तर्ज पर आपको महंगा जहाज खरीदना याद रहा, महंगी गाड़ी खरीदने याद रही, जबकि विदेशियों के तर्ज पर ही भारत के ड्राइवरों की समस्या क्यों याद नहीं आई। और उनकी समस्याओं को याद करना तो बहुत दूर की बात है, आपने ड्राइवरों के लिए नई समस्या ढूंढकर सामने रख दिया। अब ड्राइवर कह रहे हैं कि यदि हमारे पास 5-7 लाख रुपया होता तो हम ड्राइवरी क्यों करते, वो भी इतनी कम तनख्वाह पर, हम अपना धंधा पानी चालू नहीं कर लेते। दूसरी बात यह है कि किसी घटना के बाद, किसी दुर्घटना के बाद जब हमें 10 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा तो हमारे परिवार का क्या होगा। सड़क चलते क्या राहगीरों से हमारी कोई दुश्मनी हो सकती है, क्या हम जानबूझकर किसी की जान लेने की कोशिश करेंगे। और इसके बावजूद यदि सामने वाले की गलती से ही दुर्घटना हो जाए तो इसका फैसला कौन करेगा, क्योंकि हमारे यहां तो पहले से ही लोगों के दिमाग में यह बात घुसाई जा चुकी है कि बड़ी गाड़ी वाला ही जिम्मेदार होता है। और जैसा कि मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि ऐसा लगता है कि सरकार ने समस्या से बचने के नाम पर समस्या को और ज्यादा बढ़ाने का फैसला कर लिया है। पहले तो किसी घटना के बाद ड्राइवर लोगों द्वारा पीटे जाने की वजह से भागता था, अपनी जान बचाने को भागता था, और अब उसके पास भागने के दो कारण होंगे। पहला होगा भीड़ द्वारा अपनी जान बचाना और दूसरा होगा कि गाड़ी पकड़ी न जाए, गाड़ी की पहचान न हो सके, वरना 10 साल की जेल और लाखों का जुर्माना होगा। इस हिसाब से यदि देखें तो इसके माध्यम से सरकार यदि किसी भी रूप में जनता का हित देख रही है तो हित की जगह बड़ा अहित भी हो सकता है, तथा अपनी गाड़ी और अपनी पहचान छुपाने के चक्कर में यदि ड्राइवर भागने लगे तो अन्य लोगों का जीवन भी संकट में आ सकता है। उधर ड्राइवरों की हड़ताल का मामला मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में भी पहुंचा था। वहां पर हाईकोर्ट का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द इस हड़ताल को खत्म कराए। आइए अब जरा ये देख लेते हैं कि ड्राइवरों के कुछ घंटे की हड़ताल की वजह से भारत में क्या क्या प्रभाव पड़ने लगा है। खबरों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लगभग 80% पेट्रोल पंप सूख गए हैं, यानी वहां डीजल पेट्रोल समाप्त हो चुका है। इसके अलावा हरियाणा में एक दिन का स्टॉक बचा हुआ है। पानीपत रिफाइनरी से 50% सप्लाई की कमी हो गई है। पंजाब में 30% पेट्रोल पंप कल ही खाली हो चुके थे, यहां भी एक दिन का डीजल पेट्रोल ही बचा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी पेट्रोल पंप पर लंबी चौड़ी कतार देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में सबसे ज्यादा शुरुआती किल्लत डीजल पेट्रोल को लेकर हो गई है। जिन लोगों को आवश्यकता नहीं है वो भी जरूरत से ज्यादा डीजल पेट्रोल खरीद रहे हैं। कारण आप सब जानते हैं, कल मिले न मिले इस डर की वजह से जनता पेट्रोल पर टूट पड़ी है। कुछ जगहों पर लिमिट लगा दी गई है कि एक व्यक्ति को इतना ही डीजल या पेट्रोल मिलेगा, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अभी तो नंबर डीजल पेट्रोल का है, इसके बाद दवाओं और सब्जियों पर नंबर आ सकता है। कई सारी सब्जियों के रेट अभी से बढ़ने शुरू हो गए हैं, यानी आम आदमी की खटिया खड़ी होनी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा जवाब नहीं आया जिसकी चर्चा यहां की जाए। अलग अलग राज्य सरकारों के नेता लोग इधर उधर कुछ न कुछ बोल रहे हैं। भाजपा सरकारों के कुछ नेता ऐसे भी बातें कर रहे हैं जिनका कोई अर्थ ही समझ में नहीं आता। कुछ तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे उन्हें कुछ मालूम ही नहीं हो, दूसरी दुनिया में हो।
वैसे भी राज्य की सरकारों के हाथ में कुछ है नहीं, जो करना है वो केंद्र की मोदी सरकार को ही करना है। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है, क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री कैमरे पर आएंगे और कहेंगे कि हमसे ही गलती हो गई, हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई, हम ड्राइवरों को समझा नहीं पाए, कानून वापस लेते हैं, या फिर इस बार माफी मांगने वाला कोई और होगा और माफी कब मांगी जाएगी ये भी देखने वाली बात है। राजस्थान में भी आज शाम तक के लिए ही डीजल पेट्रोल बचे होने की खबर सामने आई है, यानी कुछ ही घंटों में देश में ड्राइवरों की हड़ताल ने देश की धड़कने रोक दी है। कुल मिलाकर सवाल ये भी है कि ये सरकार किसके दिमाग से नियम कानून बनाती है, या फिर जानबूझकर जनता को सड़क पर लाने की कोशिश की जाती है, इस तरह के सवाल भी लोगों की तरफ से आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि ईवीएम जैसे मसलों को ढका जा सके, उनकी चर्चा कम की जा सके, लेकिन इन सब में कुछ भी सच्चाई हो, सच चाहे जो भी हो, जिस तरह से कृषि कानून किसानों के हित में नहीं था, उसी तरह से ये नियम भी देश की जनता के हित में नहीं है। ड्राइवर तो बाद में आते हैं, ड्राइवरों के भी हित में नहीं है, और कहीं ना कहीं सरकार अच्छा करने के बजाय गलत कदम उठाते हुए दिख रही है। आप में से बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि सही या गलत कहना हमारा काम नहीं है, हमें सिर्फ बताना चाहिए कि क्या हो रहा है। एक पक्ष ये भी है, मगर जब सब कुछ सामने हो, जब सब कुछ साफ साफ दिख रहा हो, तो फिर सही गलत कह देना चाहिए, और फिर हम नहीं कहेंगे तो कहेगा कौन, हम भी नहीं कहेंगे तो कहेगा कौन। इंतजार करिए, बहुत जल्द गोदी मीडिया इस नियम के फायदे गिनवाने आ सकता है। सुधीर चौधरी टाइप के लोग जो 2000 के नोट में नैनोचिप ढूंढा करते थे, वो बता सकते हैं कि इससे किस तरह का मास्टर स्ट्रोक मोदी सरकार ने खेला है। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। यदि आप ड्राइवर हैं तो आप अपनी बात हमें व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए।